तो आज है 8 फरवरी, 2 बज रहे हैं और मैं अभी अपनी क्लास ले रहा था, वार्म अप बैच की क्लास अटेंड कर रहा था और उतने में नोटिफिकेशन आता है कि रिजल्ट की डेट आ गई है 10 फरवरी। बहुत ज़्यादा धक धक हो रहा है, डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। अभी अंशु सर की नोटिफिकेशन आई थी, उनकी नोटिफिकेशन देखी मैंने इंस्टाग्राम पे, लाइव आए थे तब मुझे पता लगा, कन्फर्म हुआ कि हाँ ये 10 तारीख को रिजल्ट है। बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। हेलो गाइस, आज है 9 जनवरी और रिज़ल्ट आने में बस एक दिन बचा है, या यूँ कहूँ तो कुछ घंटे, और नर्वसनेस जो है वो पीक पे है। आज ही नहीं, कल जब से अनाउंसमेंट आई है तब से ही डर बहुत ज़्यादा लगे जा रहा है। हालांकि मैं एक बार पहले भी फाउंडेशन का अटैम्प्ट दे चुका हूँ और उसमें मेरा रिजल्ट फेल रहा था, पर उस टाइम मेरे को इतनी डर नहीं लग रहा था जितना इस बार लग रहा है। जबकि पिछली बार मेरे पेपर खराब गए थे, मुझे पता था कि मैं फेल होने वाला हूँ, शायद इस वजह से नहीं लग रहा था। इस बार मेरे पेपर अच्छे गए हैं, पर एक होता है ना डाउट, दूध का जला वाली कहावत ना। तो गाइज, आज है 10 फरवरी, रिजल्ट डे, और सुबह से ही मैं पूरी तैयारी पर लगा पड़ा हूँ रिजल्ट की। सुबह उठ के मैं फटाफट नहा लिया, पूजा कर ली मैंने, बिस्तर सेट कर दिया, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिए भगवान के, इंस्टा पे स्टोरी लगा दी, सुसाइड ट्यूटोरियल्स देख लिए। गाइस 12:30 बज गए हैं अभी तक बैठे बैठे। देखो मैं तो अपना ये एडमिट कार्ड लेकर के बैठा हूँ यहाँ पे, ये मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स जो मुझे लग रहे हैं कि आ सकते हैं। अगर मेरे इतने मार्क्स आ गए तब मेरे 223 बन रहे हैं, मैं पास हो जाऊँगा। पर देखो अभी नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यूट्यूब पे अभी पूरी बाहुबली टीम लाइव आ रखी है, उनको देख देख कर टाइम पास करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज फाइनली रिजल्ट आ गया है, पर मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, मैं जब से ट्राई करे जा रहा हूँ 10 मिनट हो गए हैं, साइट नहीं खुल के दे रही। तो गाइज रिजल्ट आ गया और आप मेरे चेहरे की खुशी देख के अंदाजा लगा सकते हो कि क्या रहा होगा रिजल्ट। मैं पास हो गया, ये पास हो गया मैं। और सबसे खुशी की बात है मैं तो 54 आया हूँ, जिसने पिछली बार मेरे को अटका दिया था। यस, सुबह सारे स्टेटस लगाना, पूजा करना, सब काम आ गया, पास हो गया। धड़कन बहुत तेज चल रही है, पापा को मैंने कॉल किया, पापा ने फोन नहीं उठाया, मम्मी तो बहनों को कॉल कर करके बताया जा रही है, बहुत ज़्यादा किसी भर ये क्या करूँ। मैं रिजल्ट का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप देख लेना, और मैं यहाँ पे पिछले वाले रिजल्ट का भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप वो भी देख लेना। और ये हमारी किताब, जिसने मेरे को 6 महीने लेट करा दिया, मेरे को कोर्स रिपीट करा दिया। इस बार धोखा नहीं दिया, थैंक यू निशान सर, थैंक यू सो मच। बाकी सब्जेक्ट में तो मैं पास था, बस मैथ में निकलना था और सर निकल गया। हाय रे, और सुबह से जितनी टेंशन थी सब खत्म हो गई है, अब इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, क्या बताऊँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप मुझे बताना कि आपका रिजल्ट क्या रहा, आप पास हुए हैं या फिर आप अनसक्सेसफुल रहे हैं, जो भी है आप नीचे कमेंट करके बताना कैसा रहा, हम आपकी खुशियाँ और दुख बांटेंगे। और मुझे नीचे बधाई दो यार, मैं पास हो गया फाइनली सेकंड अटैम्प्ट। अब इंटर की बारी, और जो 1 महीने से इंटर की पढ़ाई कर रहा था वो वेस्ट नहीं जाएगी, उसको मैं कंटिन्यू करूँगा। वाह क्या बात है, अलग ही फीलिंग है। हाँ बाय।